नमस्कार दोस्तों, अभी तक के खबर के मुताबिक ग्लोबल एनसीपी ने महिंद्रा एक्सयूवी 700 का क्रैश टेस्ट कर दिया है। उसमें जो नतीजे आए हैं वो चौंका देने वाला है। हाल ही में ग्लोबल एनसीपी ने टाटा पंच का भी क्रैश टेस्ट किया था। उसमें ये बेहतरीन 5 out of 5 स्टार रेटिंग के साथ अच्छा स्कोर की वजह से अभी तक का सेफेस्ट कार का खिताब जीत लिया था। तो क्यों ना आज इन दोनों क्रैश टेस्ट के नतीजों को कंपेयर किया जाए और कौन सी गाड़ी अभी तक का सेफेस्ट गाड़ी है देखा जाए। मैं एक जनरल कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसका आप गलत मतलब मत निकाल लीजिएगा। वीडियो कुछ ही मिनटों का है तो स्किप ना करते हुए देखें तो मजा आएगा। एक्सयूवी 700 ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 out of 5 स्टार रेटिंग और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 out of 5 स्टार रेटिंग के साथ खरा उतरा है। जी हाँ, इंडिया की सेफर कार में और एक गाड़ी जुड़ चुकी है। तो ये कितना स्कोर किया है आइए देख लेते हैं। एक्सयूवी 700 अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 out of 5 स्टार रेटिंग के साथ 16.03 out of 17 स्कोर किया है। टाटा पंच अडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 5 out of 5 स्टार रेटिंग के साथ 16.45 out of 17 स्कोर किया था। तो टाटा पंच कुछ ही पॉइंट से एक्सयूवी 700 से आगे रहकर अपना सेफेस्ट कार का खिताब को बरकरार रखा है। मगर एक्सयूवी 700 का पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। एक्सयूवी 700 चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 out of 5 स्टार की बेहतरीन रेटिंग के साथ 41.66 out of 49 स्कोर किया है, जो टाटा पंच के 4 out of 5 के साथ 40.89 out of 49 स्कोर से ज़्यादा है। तो चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए ये इंडिया की सेफेस्ट कार है, जो एक्सयूवी 300 की 4 out of 5 स्टार और 37.44 out of 49 रेटिंग से भी ज़्यादा है। हालांकि एक्सयूवी 700 एक्सयूवी 300 से अडल्ट ऑक्यूपेंट में कुछ ही अंकों से पीछे रह गया। कोई बात नहीं, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज एक और वीडियो में ला रहा हूँ आपके लिए 2022 में लॉन्च होने वाले दो गाड़ी हुंडई कैस्पर और सिट्रोएन C3 का कंपैरिजन को लेके। ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि मैं जब कुछ ही घंटे में वीडियो अपलोड करूं आप उसका नोटिफिकेशन पहले पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।